हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फटना में। अब देखो यहाँ पे पार्ट वन नकदी है, नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा। और अदानी ग्रुप के बारे में एक और वीडियो है, वो भी आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देखो आज मार्केट में पुल बैक काफी अच्छा था, स्पेशली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन देखो अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे मिड कैप्स में कहाँ पे मोमेंटम हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक काफी अच्छा हम लोगों ने एनालिसिस किया है, प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। और एक सर ने थोड़ा सा यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना एक सार्केज्म तरह से कमेंट किया था कि सर यहाँ पे आप बोल रहे थे क्रैश क्रैश और ये अच्छे खासे पुल बैक किए मिड कैप्स। भाई मिड कैप्स इतने भी अच्छे खासे पुल बैक नहीं हुए हैं। देखो प्रीवियस डे का फॉल देखो मिड कैप्स के अंदर, ठीक है, कितना बड़ा वाला फॉल था, आज रिकवरी नीचे के लेवल से हुई है। तो इतना खास कुछ मिड कैप्स ने रिकवर नहीं किया है। आप देखोगे भेल का स्टॉक, सी मैं हमेशा आपको बोलता हूँ भेल को ट्रेस करो, अगर मिड कैप्स को रिकवरी देखनी है तो बेल को ट्रेस करो। तो मिड कैप्स फॉल किए थे मॉर्निंग में, बेल भी किया और रिकवरी की मिड कैप्स ने, तो उतने ही बेल ने रिकवरी की, ज्यादा नहीं की। मिड कैप्स में रिकवरी करने के सबसे बड़े स्टॉक्स थे वो पीएसयू बैंक थे, ठीक है। लेकिन देखो आप बोलते कि सर पीएसयू बैंक रिकवर कर गए, डेफिनेटली, लेकिन भाई एक बात आपने बोलना डराने वाली बात आप लोगों ने देख ली है कि पीएसयू बैंक्स क्रैश करेंगे ना तो आंखें बाहर निकल जाएगी, वो आपने यस्टरडे ही देख लिया है। हालांकि आज रिकवर किए तो मतलब बोलते ना कि जान में जाना ही, वरना भाई अगर गिरेंगे ना तो ऐसे ही गिरेंगे। ये तो एटलीस्ट है कि आपको बता दिया कि भाई आगे खाई है, आपको गिरना नहीं गिरना आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप अगर पीएसयू बैंक्स में निवेश करते हैं तो केयरफुल तो डेफिनेटली रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये गिरेंगे तो ऐसे ही धड़ाम करके गिरेंगे, आपको एग्जिट का भी मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो केयरफुल आपको रहना है, आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, केयरफुल तो डेफिनेटली रहना है, ठीक है। ये एक झलक आपको कल मिल चुकी थी। अब फटाफट बात करते हैं यहाँ पे, सर न्यूज़ क्या इंपॉर्टेंट ये बता दो, हम लोग पार्ट टू में न्यूज़ कवर करेंगे और आप लोगों की क्वेरीज। पहले आ जाता है स्मॉल कैप्स के बारे में। अब देखो बड़े प्लेस क्या बोल रहे हैं कि स्मॉल कैप काफी ऐसे हैं कि ओवर स्ट्रेच हो चुके हैं और माना जा रहा है 50-70% तक क्रैश हो सकते हैं, ये ओवर स्ट्रेच है, ठीक है। तो देखो इसमें कौन कौन से है, तो कि पावर सेक्टर ओवर स्ट्रेच है, डिफेंस स्टॉक्स ओवर स्ट्रेच है, ऐसा कहना है। अब मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ स्टॉक्स ओवर स्ट्रेच डेफिनेटली है। एफआई की सेलिंग, आज भी एफआई की सेलिंग है 1600 करोड़ की, जो नेगेटिव है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, मार्केट में सेलिंग प्रेशर स्टिल है। अब बात करते हैं यहां पे इंपॉर्टेंट न्यूज की। अब देखो 3 दिन कंटिन्यूअसली मार्केट में ग्लोबल मार्केट से न्यूज आ सकती है, मैंने वीकली एनालिसिस में बताया है। आप देखो कि सीपीआई डेटा आया है, थोड़े से पॉजिटिव आते हुए दिखाई दिए, इसकी वजह से डाउ जोन्स हल्का सा पॉजिटिव है, नैसडेक पॉजिटिव है, और इसकी वजह से हमारा निफ्टी गिफ्ट निफ्टी गैप अप दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली और भी डेटा आ सकते हैं नेक्स्ट टुमोरो, ठीक है। तो आपको कॉशियस थोड़ा रहना है बीटीएसटी अगर करते हैं तो, क्लियर। रिलायंस रिटेल, अब देखो रिलायंस रिटेल में हुआ क्या है कि माना जा रहा है कि सितंबर एंड तक ये लोग यहाँ पे फंड राइजिंग करने वाले करीब करीब 3.5 बिलियन डॉलर की, और ये काफी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर रिलायंस की बात करने जाए तो यहाँ पे एक बार देखो रिलायंस नीचे के लेवल से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है, अगर ये 2500 को ब्रेक करता है तो जल्दी लाइफ टाइम हाई क्रॉस करेगा, वरना ये वापस फॉल कर देगा। तो आपको फोकस करना है 2500 का लेवल, या 2500 ब्रेक या फिर 2400 ब्रेक, दोनों में से एक चीजें करता है तो निफ्टी उस डायरेक्शन में जा सकता है। टाटा स्टील, अब देखो टाटा स्टील यहां पे कुछ डील करता हुआ दिखाई दिया है, 500 आई थिंक पाउंड मिलियन पाउंड की डील करता हुआ दिखाई दिया है, और ये न्यूज आपको फोकस जरूर करनी चाहिए, यूके गवर्नमेंट के साथ है। तो टाटा स्टील एक बार देख लेते हैं, सी इसमें कोई हलचल नहीं है, हालांकि पॉज कैंडल बनाई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जब तक ये 132 ब्रेक नहीं करता स्टॉक ऐसे ही साइडवेज रहेगा, और 140 मेरी सबसे स्टील जाने का दमखम रखता है बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट्स एंड ब्रेकआउट्स। तो इसको एक रडार पे जरूर रखा जा सकता है, स्लो है और चांसेस तो है थोड़े बहुत जा सकता है। ओके अब देखो IRCTC MSRTC के साथ यहाँ पे बुकिंग फाइनलाइज की है। जैसे आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र का स्टेट ट्रांसपोर्ट होता है तो बस बुकिंग होती है, तो उसकी बुकिंग अभी IRCTC की वेबसाइट से हो सकती है। ये न्यूज़ पॉजिटिव है, लेकिन इतनी पॉजिटिव नहीं कि स्टॉक को बड़ा रिटर्न दे, बड़ी मूव करे। और IRCTC देखोगे तो ये रिकवर नहीं हुआ, ठीक है। तो जो लोग निवेश कर रहे हैं IRCTC में,
तो भाई देख लेना, ये रिकवर नहीं हुआ है। और मैंने अभी, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन की होती तो मैंने आपको मॉर्निंग में ही बता दिया था यहाँ पे कि 12:30 बजे कि मार्केट में रिकवरी आई है, लेकिन आपको वो स्टॉक्स को फोकस करना चाहिए जो स्टॉक्स प्रीवियस डे का भी हाई ब्रेक कर चुका हो क्रैश होने के बाद भी। ठीक है, आप मुझे पूछे कि सर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है, तो देखो कैनरा बैंक है, वैसे बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहे तो। वरना मैं एक स्टॉक बताना चाहूंगा जो मैंने आपको रिसेंटली बताया भी था, वो था ज्योति लैब्स। ठीक है, ज्योति लैब्स की क्लोजिंग थोड़ी नीचे आई है, लेकिन ये स्टॉक 12 बजे तक काफी पॉजिटिव था, 390 के हाई को टच किया था, ये 52 एक हाई को ये टच किया था। मैंने ज्योति लैब्स आपको पहले भी बताया था। ठीक है, समा वो सडन फॉल आया है, कुछ मे भी न्यूज आई होगी, लेकिन ऐसे दूसरे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है, ये आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक है जो प्रीवियस डे का हाई फॉल होने के बाद भी ये क्रॉस कर चुका है। वैसे एक ग्रेफाइट भी था जो रिकवरी अच्छी खासी की थी, आईओबी है। ठीक है, तो वो शायद थोड़े चल सकते हैं, लेकिन पीएसयू सेक्टर के अलावा आप थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए, आपके लिए बेनिफिट रह सकता है। तो मैं बस ये सभी स्टॉक है न्यूज की वजह से, हालांकि न्यूज आज छोटी है, थोड़ा लेट हो चुका है इसकी वजह से, लेकिन बात करते फटाफट आप लोगों की क्वेरीज। मैं आपकी क्वेरी इरकॉन डेफिनेटली लूंगा, लेकिन पीएसयू बैंक्स पे ले लेता हूँ। देखो पीएसयू बैंक्स में अगर आप देखने जाए तो आईओबी जैसे स्टॉक है, प्रीवियस का इसने हाई को क्रॉस नहीं किया लेकिन वहां तक जाने की कोशिश की है। पीएसयू में स्टिल पॉजिटिविटी है, लेकिन आपको केयरफुल रहना है। अगर अभी पीएसयू की बात करें तो जेएनके बैंक है एक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जिसने प्रीवियसली का हाई क्रॉस किया है, तो इसमें थोड़ा दम दिखाई दे रहा है, ये शायद थोड़ा ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है बड़े प्लेयर्स ने एंट्री की है। ठीक है, तो शायद ये 120-125 तक जा सकता है, लेकिन रिस्की है, तो बस आप सिर्फ रडार पे रखिएगा, ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा। पीएसयू में थोड़ी मोमेंटम अभी के लिए हो सकती है। बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से 52 हाई लगा सकते हैं, तो शायद हो सकती है। ठीक है, एक सर ने पूछा था कि सर यूपीएल क्या बॉटम आउट हो चुका है? ठीक है, यहाँ पे सी यहाँ पे एक सर ने, प्रफुल्ल सर ने पूछा है कि यूपीएल बॉटम आउट लग रहा है, क्या कर सकते हैं? आई थिंक यू माफ कीजिएगा यूपीएल, देखो यूपीएल बॉटम आउट लग तो रहा है डेफिनेटली, और आई थिंक मेरी सबसे न्यूज चैनल ने ये शायद यूपीएल को कवर किया था, तो मैं हाँ डेफिनेटली बोलूंगा बॉटम आउट है। आपको एक बार ट्राई करना चाहते कर सकते हैं, 52 वीक लो इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 575, और इसके टारगेट 750 तक 6-7-8 महीने के आसपास हो सकता है, तो इसको रडार पे रखा जा सकता है, चांसेस है, दम है। और हाँ मेरा कन्विक्शन 85% जा सकता है, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ। अब एक सर का कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आ रहा है, इरकॉन प्लीज। अब मैं बस देखो बैकग्राउंड में शायद आपको कुछ नॉइस सुनाई दे रहा होगा, मे बी ड्यू टू, अभी तो डेफिनेट आप सभी जानते हैं कि फेस्टिवल सीजन है, तो बैकग्राउंड में थोड़े बहुत नॉइस तो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इरकॉन की बात करनी चाहिए। अब देखो इरकॉन में स्टील पॉजिटिविटी है, ऐसा नहीं कि भाई ये ज्यादा फॉल करे ना करे अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एक लेवल तो हमारा टच कर गया था इरकॉन। ठीक है, एंड अभी के लिए स्टॉक में सपोर्ट है 140 का, अगर ये ब्रेक नहीं करता है बहुत जल्दी ये स्टॉक 180 के आसपास और 195 के आसपास जा सकता है, जहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो 195 इसका एक लेवल होना चाहिए मैक्सिमम। स्टॉप लॉस आपको रखना है तो आज के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, जो शायद ब्रेक ना हो वो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और एक गति के बारे में बात करने जाए तो गति भी है, हालांकि रेलवे थोड़े नेगेटिव होते हुए दिखाई दे, टीटागढ़ वैगन्स नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन दूसरे स्टॉक फोकस कर सकते हैं। गति में देखो, गति में मोमेंटम स्ट्रांग आ रही है, मेरी सबसे गति में वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हुआ है, मोमेंटम काफी स्ट्रांग आई है, चांसेस है कि 240 के आसपास जा सकता है, तो हाँ गति को आप रडार पे रख सकते हैं। मुझे लगता है गति यहाँ से एक शायद एक अच्छा मूव कर सकता है, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 150 आसपास, और इसके रिस्क टू रिवॉर्ड रिश्यो आप डबल या ट्रिपल रख सकते हैं, यानी कि 200-240 तक ये स्टॉक जाने का दमखम रख सकता है गट्टी पोजिशनल, यानी कि 4-6-8 महीने के अंदर आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आज का वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा, फिर कोई क्वेरी रहती है कॉमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारे साथ कुछ लर्निंग पर्पज के लिए जुड़ना है या कुछ क्वेरीज है तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अबाउट में रखी है, आप जाके हमारी ईमेल आईडी डेफिनेटली ये चेक कर सकते हैं और कांटेक्ट हमको जरूर कर सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल फॉरवर्ड कर दूंगा, फिर आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।